दुर्ग से खबर है जहां पुलिस और निगम कर्मचारियों पर पथराव हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए जब टीम वहां पर गई तो आक्रोशित लोगों ने पथराव किया है। ग्रामीणों ने बगैर सूचना दिए मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। तो दुर्ग से खबर जहां पर पुलिस और निगम कर्मचारियों पर पथराव हुआ है। अतिक्रमण हटाने के दौरान आक्रोशित लोगों ने पथराव किया है। ग्रामीणों ने बगैर सूचना दिए मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। जोगी बस्ती में अतिक्रमण हटाने गया था अमला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए अमला गया था और ग्रामीणों का आरोप कि बिना सूचना के मकान तोड़ा गया जिसके बाद पथराव किया है। हमारी सहयोगी अनुभूति जुड़ रही है हमारे साथ। अनुभूति, क्या मामला है, क्यों भीड़ ने पथराव किया है? देखिए आपको बता दूं, जो नगर निगम का अमला है आज पुलिस और प्रशासन के साथ जोगी बस्ती को खाली करने पहुंचा हुआ था। तकरीबन 350 परिवार जोगी बस्ती में निवास करते हैं। जोगी बस्ती अवैध रूप से बसी हुई है। वहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया जा चुका है और बस्ती खाली करने की कवायदें शुरू हो चुकी है। बस्ती के लोग जो है वो घरों को खाली करने तैयार नहीं थे और आज जब नगर निगम का अमला खाली करने पहुंचा मकानों को तो लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने जमकर पथराव किया नगर निगम के कर्मियों पर और साथ ही पुलिस के लोगों पर, जिनसे काफी लोगों को चोटें भी आई हैं। दरअसल थगड़ा बांध सौंदर्यीकरण का कार्य दुर्ग में चल रहा है, बड़े स्तर पर इस प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है और जोगी बस्ती का जो क्षेत्र है उसमें भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिसकी वजह से नगर निगम जो है वो उस बस्ती अनुभूति ये फिर जो वहाँ के रहवासी है वो बोल रहे हैं बिना सूचना दिए तोड़ने पहुँच गए। देखिए आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा है उस बस्ती को खाली कराने। नगर निगम लगातार नोटिस देकर थक चुका है लेकिन लोग तैयार नहीं है। वो प्रधानमंत्री आवास उन्हें आवंटित करने के बावजूद भी वहां शिफ्ट नहीं होना चाहते। लोगों का कहना है कि 70,000 रुपए की राशि उनसे मांगी जा रही है प्रधानमंत्री आवास आवंटन के लिए और वो उसको लेके मतलब उसके लिए सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनको निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करवाया जाता है तो बहुत शुक्रिया आपका। तो पथराव की नौबत आई है, झड़प हुई है बस्ती खाली कराने को लेकर जब अतिक्रमण हटाने के लिए हमला पहुंचा।